हम बात करेंगे ब्लड की। हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड में क्या क्या स्पेशलिटी है, किस प्रकार का ये टिश्यू है, ब्लड से हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ये रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बस जिनको ब्लड समझ में नहीं आ रहा है, एक आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि अब हम जुड़े हुए हैं 2-3 कॉलेज से, तो वहाँ के बच्चों को अगर ये जैसे नहीं समझ में आ रहा है मान लिया, तो उनके लिए एक आसान लैंग्वेज में उसको समझाने जाएंगे। इसमें कई सारे MCQs बनेंगे, MCQs जो बनेंगे वो अब की बार 10th में आ सकते हैं, ठीक है, इंटर में आ सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि ब्लड जो है, सबसे पहले ध्यान रखिए कि ब्लड जो है वो एक प्रकार का तरल है, तरल यानी कि फ्लूइड। अगर हम बात करें ब्लड की तो वो एक प्रकार का फ्लूइड है, और इसे हम टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू भी कहते हैं। और वो टिश्यू कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। किसका, किस टाइप का ओरिजिन है इसका? मेसोडर्मल ओरिजिन है। आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में ऐसे दिया जा सकता है कि ब्लड इज ए, और फिर ऑप्शन बना दिए गए। अब ऑप्शन में अगर आपको मिलता है कनेक्टिव टिश्यू, तो आप वहां पर क्या करोगे? टिक कर दोगे, ठीक है। जो अब की बार आपका पेपर बन रहा है वो MCQ बेस बन रहा है, तो आपको टिक शायद ना करने मिले, आपको क्या मिले? गोला भरने वाला। तो आपको क्या करना है, इस गोले के अंतर्गत लगातार इंक से या जो भी आप पेन लिए हैं उसी से आपको क्या करना है, गोला भर देना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है एक प्रकार का विशिष्ट लिक्विड है, यानी ये नॉर्मल लिक्विड नहीं है, ये एक प्रकार का विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब क्या? जिसमें विशेषता हो, जैसे हर एक इंसान में कुछ ना कुछ विशेषता हो। अब मान लिया पढ़ने का भी अलग तरीका है, पढ़ाने का भी अलग तरीका है। कुछ लोग क्या होता है, पढ़ाते हैं तो अगर इंटरेस्टेड टॉपिक नहीं है तो कभी कभी नींद आ जाती, ठीक। वहीं पर अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं, तो वो लोग बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, यानी उनके पढ़ाने का जो लॉजिक है बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ हम बात करेंगे कि जो ब्लड है या ब्लड एंड सर्कुलेशन, टॉपिक हमारा क्या है, ब्लड एंड सर्कुलेशन। इसमें कहा गया ये एक प्रकार का क्या है, स्पेशलाइज लिक्विड है, और इसे ये मेसोडर्मल ओरिजिन से बना हुआ है, या एक प्रकार का एक कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे टिश्यू क्या है, तो भैया वही सेल्स हैं, सेल्स आपस में जुड़ते जाते हैं और टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का सेल ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेल ही कहा जाएगा। और अगर हम कोई 80 किलो का व्यक्ति देखते हैं जिसका बॉडी वेट कैसा हो, 80 किलो का, ठीक है, तो 80 किलो के पर्सन में जो ब्लड की संख्या होगी, ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो 5 से 6 लीटर होगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ रहा है कि भैया हम पता कैसे करें कि आखिर उस 80 किलोग्राम व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड कैसे पता करें। तो उसका एक फॉर्मूला है कि 80 आपको ऊपर रखना है, और इसका आपको क्या करना है, 7% निकाल सकते हैं या फिर 8% निकाल सकते हैं। अगर आप 7% निकालते हैं तो ये आपका कुछ आएगा 7, 8 या 5, 6, और ये हो जाएगा 560/100, ठीक है। अब यहां पर ये जो वैल्यू होगी वो लीटर की होगी, और ये इधर वाला ml का होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, 5.6, ठीक है, लीटर। यानी अगर हम लगभग बात करें तो 80 किलोग्राम के व्यक्ति में 5 लीटर 600 ml ब्लड हो सकता है। अब सोचो जो 40 किलो वाले हंसने वाली बात है, 40 किलो वालों के पास कितना ब्लड होगा सोचो। यानी अगर हम इनको पता करना है कोई 40 किलो का है तो वो, भैया तुम्हारे अंदर ब्लड तो बहुत कम है, कहेगा कैसे कम है, तो कह दो हम निकाल के दिखा रहे हैं, तो 40 × 7 कर दो और अब क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 280/100
जीरो जीरो कट गया, यानी 2 लीटर मात्र उस व्यक्ति के अंदर ब्लड। अब सोचो अगर उससे आपने ब्लड ले लिया तो फिर आपको उल्टा उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। बेचारा वैसे कमजोर था, आप लोगों ने ब्लड ले लिया, बेचारा और कमजोर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहा गया जो वॉल्यूम होती है ब्लड की अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। कोई 80 किलो का था 5 से 6 लीटर ब्लड, कोई 40 किलो का था 2 से 3 लीटर ब्लड। तो इस प्रकार से ब्लड वॉल्यूम भी अलग अलग। अब ध्यान रखिएगा भैया कि जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, क्या है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। यानी अगर आपके अंदर 5 लीटर ब्लड है, फिर 3 लीटर ब्लड है, तो 3 लीटर ही ब्लड रहेगा, लेकिन उसकी सांद्रता कम या ज्यादा होगी। सांद्रता क्या? उसका गाढ़ापन, उसका हल्का। और वो गाढ़ापन किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन। एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब कहा गया ये जो ब्लड है इसमें ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स पाए जाते हैं। ब्लड कार्पसल्स का मतलब हुआ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ब्लड प्लेटलेट्स ही घटते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी हमारा क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को वो क्या करता है, बढ़ाता है। और इस प्रकार से हम कहें तो ये एक ऐसी प्रकार की सेल है जो रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती है, रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती है। ब्लड हमारा लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग लाल होता है, थिक होता है भैया, गाढ़ा होता है। कभी खून पिया है? पी के देखो कैसा लगता है, कैसा लगेगा, एल्केलाइन, क्षारीय। और इसका पीएच कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45 तक पीएच होता है। अब ये कहा गया ये पानी से क्या है, इट इज लिटिल हैवियर, थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा पानी से क्या है, भारी है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 होती है। और अगर हम कहें तो ब्लड का कंपोजिशन, यानी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है जिस जो किससे बना है, ब्लड प्लाज्मा और कार्पसल से मिलकर बना है, ठीक है। तो बच्चों कुछ चीजें हमने बताई होंगी, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो ऐसे लगता बहुत कमी है, बहुत सारे यूट्यूबर है एक से एक नई नई चीजें डाल देते हैं तो आप लोग उधर एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चीजें अच्छी बताई हमने, तो आप लोग अगर अगले टॉपिक के लिए कहोगे तो उसका वीडियो बना के पोस्ट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।